खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के विशालकाय नेतृत्व और सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुभव से भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। बड़वा नगर पालिका के माध्यम से करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देने बड़वा पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राहुल गांधी को छूट भैया नेता बता दिया। विजयवर्गीय का कहना था कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के किसी पक्ष या विपक्ष के नेता ने भारत विरोधी बयान दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सुबह सुबह वार्ड में चले जाओ, किसी के नाश्ता किया, किसी के भोजन किया, किसी के चाय पी। बड़वा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, परिक्रमा वासी को खिलाते तुम तो खिलाएंगे। यहाँ से जो निकलता है उसको खिलाते पिलाते। सुबह गए किसी घर में भी, किसी वार्ड में चले गए, चाय पिया, किसी का नाश्ता किया और सबको ये पाठ पढ़ाया कि ये शहर हमारा है, हमको साफ करना। मैं दावे से कहता हूँ बड़वा इंदौर को बीट कर सकता है क्योंकि बहुत छोटा शहर है। आप इंदौर को पराजित कर सकते हो और मैं चाहता हूँ, मैं खुश हो जाऊँगा उस दिन जिस दिन आपने इंदौर को पराजित कर। सच में कह रहा हूँ, आप छोटे भाई हो, छोटे भाई पुत्र जैसा होता है। पिता जब पुत्र से हार जाता है ना, तो फिर पिता बड़ा खुश होता है कि मैं अपने बेटे से हार गया। तो आप यदि इंदौर को हरा दोगे तो मैं खुश होने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। आप हराइए बड़वा के लोगों के साथ मिलकर, वार्ड वार्ड में जाइए, घर घर में जाइए और लोगों से कहिए कि शहर हमारा है, हमें इसको साफ करना है, हमें कचरा सड़क पर नहीं फेंकना, हमें डस्टबिन में डालना है। निश्चित रूप से शिवराज जी और मोदी जी का एक विशाल काय नेतृत्व है जो सिर्फ भारतीय नहीं सारी दुनिया को देखा, और शिवराज जी का अनुभव, दोनों मिलकर फिर से हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा से सरकार बनाएंगे, ये पार्टी तय करेगी। मैं तो संगठन का आदमी हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की किसी नेता ने, चाहे विपक्ष का हो, सत्ताधारी विदेश पे जाकर भारत की बुराई का। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव जी ने उनसे आग्रह किया कि यूएन की बैठक का नेतृत्व तो आप करें, और यूएन की बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष रखा, भारत की जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार उस समय की नरसिंह राव सरकार जी ने जो काम किया था उसके का उल्लेख किया हुआ। जब बाहर निकले अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आपसे से पत्रकारों ने माइक लेके घेर लिया उनको कि आप तो विपक्ष के नेता हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं सरकार को और यहाँ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ मैं विपक्ष का नेता हूँ, वहाँ मेरे पास मेरी पार्टी राजनीतिक दल का झंडा लेके मैं बैठता हूँ, सर यहाँ मैं भारत का झंडा लेके आया, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और इसलिए भारत की प्रशंसा करूँगा। तो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उन्होंने भारत की वहाँ प्रशंसा की। तो वास्तव में राजनीति में प्रजातंत्र के अंदर कहाँ विरोध होना चाहिए ये समझ होना चाहिए। दुर्भाग्य की अभी विपक्ष के पास वो समझ नहीं है कि कहाँ विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट में विरोध करो, देश की सड़कों पे विरोध करो, पर विदेश में जाकर भारत का प्रजातंत्र खतरे में, अगर प्रजातंत्र खतरे में होता तो तुम बोल सकते थे क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।